क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष बाबई ब्लॉक आगमन महाकाली मंदिर बाबई में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की बैठक हुई, जिसमें उपस्थित विभिन्न ग्रामों से आए हुए किसानों को केंद्र के द्वारा जो 3 किसान विरोधी काले कानून आज किसानों के ऊपर जबरन थोपे जा रहे, उसी संदर्भ में समस्त किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी दी। इसी उपरांत किसानों की कुछ विभिन्न समस्याएं बिजली विभाग से लेकर राजस्व से लेकर विभिन्न विभागों के संबंध में समस्या आई, जिसे जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी जी द्वारा सभी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार बाबई को अवगत कराने के दिशा निर्देश जिला प्रवक्ता केशव साहू को दिए गए। आज ब्लॉक की ब्लॉक इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व तरुण राजपूत को दिया गया, ब्लॉक उपाध्यक्ष महेंद्र यादव को बनाया गया और ब्लॉक संयोजक सरदार नरेंद्र सिंह रंधावा को बनाया गया। ब्लॉक मीडिया प्रभारी शेखर गौर को बाबई ब्लॉक की कमान दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ग्रामों की ग्राम इकाइयां और उनके अध्यक्ष तय किए गए। इस बैठक में किस ग्राम में कितने किसानों की डीपी अभी जल्दी पड़ी है, कौन सी किसानों के जाने के रास्ते नहीं बना है, कौन से रास्ते पर अतिक्रमण है, ऐसे विभिन्न समस्याओं को किसानों ने क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के समक्ष रखा, जिसमें शैतान सिंह अहिरवार, वीरेन ध्रुवे, बालक दास यादव, बसंत और सराठिया आदि किसान उपस्थित रहे। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की ओर से बाबई ब्लॉक के समस्त ग्रामों में संगठन के पदाधिकारी घर घर जाकर किसानों को किसान विरोधी 3 कानून से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। भारत का मजदूर किसान, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तीनों काले कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काले कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, धरती मैया की जय। संगठन की जिला स्तरीय बैठक में हम लोगों को माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा आदेश दिया गया था कि जहाँ जहाँ हमारी अभी ग्राम इकाइयाँ छूटी हुई है, जिन जिन ग्रामों में, उन ग्रामों में उन ग्राम इकाइयों को बनवाना है। और उसके बाद जो हमारा आज बाबई ब्लॉक का गठन हुआ है, जिसमें श्री तरुण राजपूत जी को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र यादव जी को नियुक्त किया गया है। इन्हीं सभी कारणों को लेकर और जो किसानों को समस्या उत्पन्न हो रही है, इसमें संगठन आगे आकर किसानों के बीच अपना कार्य करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सत्ता पक्ष है वह विभागों को खुली छूट दे रखी है। आज जिस प्रकार बिजली विभाग सुहागपुर विधानसभा में आप देखें किस प्रकार से किसानों उनसे प्रताड़ित हो रहे हैं, आज विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है जो इन किसानों की आवाज़ों को उठा सके। तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने अब यह पीला उठाया है, हम इनकी समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास इनको पहुंचाने का कार्य करेंगे। सभी किसानों से हमने निवेदन भी किया है कि जिस प्रकार ये काले कानून 3 केंद्र के द्वारा किसानों के ऊपर जबरन थोपे जा रहे हैं, इनको घर घर पहुँचाने का कार्य करें। आज हमने एक बुक प्रकाशित हुई है, इसके माध्यम से हमने हमारे कार्यकर्ताओं को दी है, जो घर जा जाकर समस्त किसानों को इससे होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे। इसी को बैठक आज बाबई ब्लॉक में ली गई। भाई साहब, आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के तत्वाधान में आज बाबई ब्लॉक की बैठक की गई है। सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेकर आई है वह किसान विरोधी है। हमारा क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के अभियान चला रहा है कि गांव गांव जाकर, ब्लॉक ब्लॉक जाकर किसानों को जागृत करें। और जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून के बारे में बोला है वह झूठ बोला है। 3 कानून किसानों के विरोधी हैं और हमारा संगठन का दायित्व है कि इन काले कानून को और सरकार की पोल खोलें और जनता तक सही बात जाए। किसानों को गुमराह किया जा रहा है पार्टी के नेताओं के द्वारा। घर घर जाकर जो पार्टी की तारीफ की जा रही है वह गलत है। आज क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन बाबई ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया है और संगठन का गठन किया है। खबर भारतवर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।